हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की तहरीर थाने पर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल एक महिला ने अपने ही गांव के दो लोगों पर कार में जबरदस्ती ले जाकर हाईवे पर बारी बारी से रेप करने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि वो जब रात में बाहर गई थी तो गांव के ही दो लोगों ने फोन करके उसे कार के पास बुलाया और फिर कार में जबरन डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि दोनों ने स्वाजायपुर और हरपालपुर में ले जाकर कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। उसके बाद उसे सड़क किनारे फेंक कर धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता का आरोप ये भी है कि इसके बाद वो किसी तरह घर पहुंची, लेकिन लोक लाज की शर्म से उसे बात किसी को नहीं बताई और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे बचा लिया और फिर 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर उसने सारी बात बताई, जिसके बाद वो पति और सास के साथ थाने पहुंची। मामले में पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको 3 बार इन्होंने आत्महत्या की कोशिश करी। किस लिए? अब पता नहीं चला, वहाँ से जब लेके आए। कहाँ से लेके आए? हरपालपुर से। हरपालपुर से? हाँ। आज दिन में? दिन में 4 बजे लेके आए वहाँ से। उसके बाद इन्होंने 3-4 बार आत्महत्या कोशिश करी। फिर हमने डायल नंबर 112 बुलाई। हाँ, वो इनको समझा के गए। वो चले जाने के बाद वो जो लड़कों ने इनके साथ दुष्कर्म किया है, वो लड़के जब दोबारा सामने आए और ताली मार के हंस के गए, तो इन्होंने फिर दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश करी। हाँ, यही होना चाहिए कि सर हमें न्याय मिलना चाहिए। ये घटना कब की है? घटना कल की है। जिन लोगों ने दुष्कर्म किया उनके नाम क्या है? नाम है विजय कुमार उर्फ देवचरण और सती प्रकाश उर्फ शेरू।